वेलकम टू एम्बिशियस बाबा डॉट कॉम आज बॉक्स बेस्ड पजल के सेकेंड सेशन में हम लोग हैं चलिए आज एक क्वेश्चन देखते हैं ये मेन्स लेवल का क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो एक बार इस क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करना है तो स्टेटमेंट ये है देर आर एट बॉक्सेज ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू डी वन डी टू विच आर इन डिफरेंट कलर्स इनके कलर्स मैंशन है एंड दे आर प्लेस वन अब द अदर ईच कंटेंस डिफरेंट बुक्स सर्टन नंबर ऑफ पेन्स द बुक्स बुक्स के सब्जेक्ट में आपके एंड पेन्स इन ईच बॉक्स इज इधर चालीस के बीच प्राइम नंबर और स्क्वायर नंबर दस से चालीस के बीच के प्राइम और स्क्वायर अगर हम लोग नोट डाउन करना चाहें तो देखिये इलेवन थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी नाइन थर्टी वन थर्टी सेवन ये सारे तो हो गए प्राइम नंबर अब इसके बाद स्क्वायर जो दस से चालीस के बीच के ही हों तो सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव एंड थर्टी सिक्स तो कुल अगर नंबर्स की बात करें तो दो दो चार दो छह दो, दो आठ दो दस और एक ग्यारह इन ग्यारह में से आठ नंबर्स का हमें यूज करना है ग्यारह में से आठ नंबर्स का इस्तेमाल करना है चलिए टेबल भी ड्रॉ कर लेते हैं टेबल में देखिए हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है एक तो इनकी पोजीशंस हैं, दूसरा बॉक्स के नेम है तीसरा नंबर ऑफ पेंस, फिर एक कॉलम है सब्जेक्ट का और एक कॉलम है कलर्स। टोटल आठ हैं। एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ तो ये हमने एक टेबल ड्रॉ कर लिया अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो इस टेबल में ये बनाया हमने पोजिशन पोजिशन से बेस्ड इंफॉर्मेशन तो यहां लिख लें हम लोग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट ये बॉक्स के नेम हो जाएंगे नेम ऑफ बॉक्सेस यहां नंबर ऑफ पेन्स ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया इनके कलर्स चलिए अब आगे बढ़ते हैं द ब्राउन बॉक्स कंटेन सर्टेन नंबर ऑफ पेन्स एज सेम एज द स्क्वायर ऑफ इट्स पोजिशन फ्रॉम द टॉप तो बोला गया जो ब्राउन बॉक्स में नंबर ऑफ पेंस है वो उसकी पोजिशन जो टॉप से आएगी उसका स्क्वायर होगा तो इसका मतलब क्या निकलता है यहां से देखिए इसका एक मतलब ये निकलता है कि ब्राउन बॉक्स की पोजिशन में नंबर ऑफ पेंस स्क्वायर के फॉर्म में होने चाहिए और हमारे पास स्क्वायर की ये तीन वैल्यू है नंबर ऑफ पेंस के लिए तो या तो 16 पेन हो ब्राउन में या 25 या 36 तो इसके अंडर रूट इनकी पोजीशन होगी टॉप से यानी टॉप से या तो फोर्थ हो इसका अंडर रूट फाइव और 36 का अंडर रूट सिक्स तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ब्राउन बॉक्स की पोजीशन टॉप से फोर फाइव या सिक्स पर होगा और इसमें जो नंबर ऑफ पेन होंगे वो इसी के अकॉर्डिंग होंगे सिक्सटीन ट्वेंटी या थर्टी में से एक सिक्सटीन ट्वेंटी या थर्टी में से एक नंबर ऑफ पेंस होंगे। ओके okay, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देयर आर ओनली टू बॉक्सेस बिटवीन ए वन एंड सी वन विच कंटेन्स हिस्ट्री बुक देखिए ये बोला गया और C1 के बीच दो बॉक्सेस हैं, यानी एवन से सी वन की पोजीशन थर्ड होगी और सीवन के पास जो बुक है वो हिस्ट्री का है सीवन के पास जो बुक है वो हिस्ट्री का है द नंबर ऑफ पेंस इन सी टू इज वन लेस द डबल द नंबर ऑफ पेन्स इन बी टू ओके अब देखो यहां पर एक नंबर ऑफ पेन्स को लेकर इंफॉर्मेशन दिया गया बोला गया सी वन के पास उतनी ही पेन है जितना बी टू के ट्वाइस माइनस वन पर आ जाए यानी बी टू के दोगुने माइनस वन तो देखो यहां से हमारे पास चूंकि नंबर ऑफ पेन्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि C1 और B2 के क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं लाइट अगर बी के 11 इलेवन हुए तो मल्टीप्लाइड बाई टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू माइनस वन ट्वेंटी वन लेकिन 21 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है नहीं इसका मतलब बी टू की वैल्यू 11 नहीं हो सकती इसी तरह बी टू की वैल्यू अगर 13 रखें तो 13 मल्टीप्लाइड बाई टू ट्वेंटी सिक्स माइनस वन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव नंबर ऑफ पेन्स की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है तो हम ये कॉम्बिनेशन ले सकते हैं कि बी टू का थर्टीन और सी वन का ट्वेंटी फाइव हो अच्छा इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि 17 ले तो 17 इंटू टू थर्टी फोर माइनस वन थर्टी थ्री हमारे पास अवेलेबल नहीं अगर 19 ले तो 19 इंटू टू थर्टी एट थर्टी एट माइनस वन थर्टी सेवन अवेलेबल है तो एक कॉम्बिनेशन 19 और 37 का हो सकता है इसी तरह 23 थ्री इंटू टू फोर्टी काफी बड़ा नंबर हो जाएगा तो आगे के नंबर को नहीं ले सकते अच्छा स्क्वायर में से देखिए अगर हम बी में सिक्सटीन पेन ले लें तो 16 का ट्वाइस 32 टू माइनस वन थर्टी यानी सी के पास नंबर ऑफ पेन थर्टी भी आ सकता है तो ये कुछ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं बी और सी के ये ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन नीदर डी वन और टू डी टू कंटेन्स इंग्लिश बुक तो डी वन और डी टू में से कोई भी इंग्लिश बुक को नहीं लेता है इंग्लिश बुक इनके पास नहीं है ठीक है D1 और D2 के पास तो चलो ये भी नोट कर लिया हमने आम। यहां इन दोनों के पास इंग्लिश बुक नहीं है तो D सीरीज में इंग्लिश नहीं है ये कह सकते हैं ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेन्स इन रेड कलर बॉक्स एंड द टोटल नंबर ऑफ पेन इन ए एंड डी इज टेन तो देखो ये एक इंफॉर्मेशन मिली कि रेड कलर बॉक्स और A2 और B1 का सम A2 और B1 का सम जो होगा इनके बीच का डिफरेंस आएगा 10 का तो रेड कलर बॉक्स में जितने पेन हो और A2 टू प्लस बी में जितने पेन हो दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 10 का आएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है ब्लू बॉक्स कंटेन्स बायोलॉजी बुक एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेन्स इन ब्लू कलर्ड बॉक्स एंड द बॉक्स विच हैज फिजिक्स बुक्स इज एट पेन्स ओके तो ब्लू बॉक्स के बारे में बताया गया कि ब्लू बॉक्स में बायो सब्जेक्ट है और बायो और फिजिक्स के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आ जाएगा एट पेंस का एट पेंस का डिफरेंस आएगा इनके बीच नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव द बॉक्स विच कंटेन्स जोग्राफी बुक इज द सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्स बिलो डी वन ओके चलो इसे यहां पर मैं नोट कर रहा हूं बोला यह जा रहा है कि जोग्राफी के ऊपर जितने बॉक्सेस होंगे डी वन के नीचे उतने ही बॉक्सेस होंगे जितने बॉक्सेस ज्योग्राफी के ऊपर उतने ही बॉक्सेस D1 के नीचे तो ये एक रिलेशन आपको ध्यान में रखना ठीक है द नंबर ऑफ बॉक्सेस अब द बॉक्स विच कंटेन्स ज्योग्राफी बुक इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो डी तो ज्योग्राफी के ऊपर कितने नहीं पता इसलिए हमने मान लिया एक्स बॉक्सेस तो D1 के नीचे भी नंबर ऑफ बॉक्सेस x हो जाएंगे ओके नेक्स्ट इंफॉर्मेशन द बॉक्स विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ पेन्स ज इन ब्लैक कलर ओके तो जो ब्लैक कलर वाला बॉक्स होगा इसमें मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स होंगे यह अभी हमने यहां नोट कर लिया कि जो भी ब्लैक कलर वाला बॉक्स होगा उसमें नंबर ऑफ पेन्स मिनिमम होंगे ठीक है ओके नेक्स्ट नीदर रेड बॉक्स नॉर पर्पल बॉक्स इज एट द टॉप मोस्ट और लोअर मोस्ट पोजिशन ओके यानी रेड और पर्पल टॉप में भी नहीं है और आप कह सकते हैं रेड और पर्पल बॉटम में भी नहीं है ठीक है बीच के किसी पांच पोजीशंस में से होंगे ओके नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देयर आर टू बॉक्सेस बिटवीन ब्राउन एंड ऑरेंज कलर बॉक्स तो ब्राउन और ऑरेंज कलर के बीच दो बॉक्सेस हैं और इसके बाद यह भी मेंशनड है सच दैट द ब्राउन बॉक्स इज इन वन ऑफ द पोजिशन बिलो ऑरेंज बॉक्स अच्छा अब यह भी बता दिया गया कि ब्राउन बॉक्स के नीचे ऊपर ऑरेंज बॉक्स होगा यानी आप यहां से यह समझ लो कि ऑरेंज बॉक्स ऊपर होगा और इसके थर्ड पोजिशन नीचे थर्ड पोजिशन नीचे ब्राउन बॉक्स होगा अब चूंकि अभी हमने बात किया था कि ब्राउन बॉक्स की पोजीशन फोर फाइव सिक्स में से एक होगी सो so दैट कि इनके बीच नंबर ऑफ पेन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स में से एक होंगे तो इससे तीन पोजीशन ऊपर अगर ऑरेंज बॉक्स होगा तो ऑरेंज बॉक्स की पोजीशन टॉप के तीन में से कोई एक होगी टॉप के तीन में से कोई एक होगी ठीक है ओके नेक्स्ट देखिए द पिंक बॉक्स कंटेन्स जोग्राफी बुक्स एंड इज इमीडिएटली बिलो सी एंड अबव सी ओके okay. अब देखो यहां से हमें कुछ पता चल रहा है बोला जा रहा है कि पिंक बॉक्स जो है उसमें जोग्राफी बुक है और पिंक बॉक्स के बारे में अगर हम बात करें तो बोला गया कि दैट द पिंक बॉक्स इज इमीडिएटली बिलो सी वन सी वन के ये ठीक नीचे है एंड इमीडिएटली अबव सी टू यानी सी टू के ये ठीक ऊपर है अब देखिए बोला गया सीवन इज सीवन इज एन ऑरेंज कलर्ड बॉक्स तो जो सीवन है वो एक ऑरेंज कलर का बॉक्स है तो ऑरेंज बॉक्स हमें पता चल गया सीवन है तो क्या ये वाली सारी जानकारी यहां हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं चलिए तो हम लोग क्या करते हैं इसे नोट डाउन करते हैं ठीक है तो मैं अब आपको ये सारी जानकारी एक ही जगह इकट्ठा करके दिखा रहा हूं ठीक है तो ये ऑरेंज बॉक्स है सीवन ये मैंने यहां लिख दिया C1 के ठीक नीचे पिंक आना चाहिए पिंक के ठीक नीचे C2 और C2 के ठीक नीचे ब्राउन अब देखो ये सारी जानकारी हमारी एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगी देखो C1 है ऑरेंज इसके ठीक नीचे पिंक आ जाएगा और पिंक का सब्जेक्ट है जोग्राफी ठीक है जोग्राफी के पिंक के ठीक नीचे C2 आ जाएगा सेकेंड प्लेस पर C2 ये देखिए यहां C2 और थर्ड प्लेस पर यानी इसके ठीक नीचे D1 D2 वाली जानकारी यहां कर दे रहा हूं डी वन और डी टू को इंग्लिश बुक पसंद नहीं है ठीक है और इसके ठीक नीचे ब्राउन कलर आ जाएगा और ब्राउन की पोजीशन टॉप से बताई गई थी फोर फाइव सिक्स और नंबर ऑफ पेंस इसके स्क्वायर यानी सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव एंड थर्टी सिक्स ठीक है अच्छा एक और बात ध्यान से देखना हमें यह भी पता है सी वन जो है उसके पास जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री का है तो C1 के पास ऑरेंज कलर है और ये हिस्ट्री है इसके पास सब्जेक्ट हिस्ट्री है और इसकी पोजीशन टॉप के तीन में से एक होगी या तो फर्स्ट प्लेस पर हो या सेकंड पर हो या थर्ड पर हो ठीक है अब देखो ब्राउन के बारे में बताया गया तो ऑरेंज से थर्ड प्लेस नीचे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस नीचे ऑरेंज है अब जरा समझो सी के पास हिस्ट्री है और सी से थर्ड प्लेस पर ए भी है C1 से तीसरे प्लेस पर A1 भी आना चाहिए और अगर हम C1 को यहां ले रहे हैं ऑरेंज के जगह पर तो हमें पता है C1 की पोजीशन टॉप के तीन में से एक है 1, 2, 3 में से एक है तो अगर वन टू थ्री में से किसी एक पोजीशन पर C1 है और A1 इससे थर्ड प्लेस पर है तो जाहिर सी बात है A1 इसके तीन प्लेस ऊपर तो जा नहीं सकता इसका मतलब A1 जो है वो C1 के तीन प्लेस नीचे ही हो सकता है क्योंकि यहां देखिए C1 से थर्ड प्लेस पर A1 है और C1 की पोजीशन टॉप में कोई तीन में से एक होगी तो आप इसके ऊपर A1 को नहीं रख सकते यानी A1 को इसको इसके तीन प्लेस नीचे रखना होगा तो ऑरेंज से तीन प्लेस नीचे एक दो तीन यानी आप ये कह सकते हैं ये जो ब्राउन कलर वाला बॉक्स है ये ब्राउन कलर वाला बॉक्स किसका है A1 का है तो देखो ये वाली जानकारी भी हमने यहां कनेक्ट कर लिया सी वन से थर्ड प्लेस पर ए वन देखो सी वन फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्लेस पर ए वन इनका सीक्वेंस तैयार हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास तो बोला यह गया सी वन इज एन ऑरेंज कलर बॉक्स एंड हैविंग टेन पेन मोर देन डी वन तो D1 से 10 पेन ज्यादा है किस किसके किस पास C1 के पास अब हमें इसकी जान, इस जानकारी की जरूरत ही नहीं है इसको मैं यहां से हटा दे रहा हूं क्योंकि हमने इसे यहां कनेक्ट कर लिया बेटा ठीक है ना तो अब देखिए क्या बोला गया इसको समझिएगा बोला गया C1 के पास ऑरेंज कलर बॉक्स है और 10 पेन्स ज्यादा है D1 से यानी C1 वन बराबर डी वन प्लस तो ऐसे क्या क्या कॉम्बिनेशन आ सकते हैं यहां पर आप चाहें तो इसे यहां भी नोट कर सकते हैं ठीक है इसे आप यहां भी नोट कर सकते हैं C1 वन बराबर डी वन प्लस टेन सी बराबर डी वन प्लस तो टेन का डिफरेंस आना चाहिए बेटा टेन का डिफरेंस कहां कहां आ सकता है ठीक है ये जरा देखते हैं टेन का डिफरेंस हम कहां कहां बना सकते हैं ये वाला C2 था इसको C2 रखना ठीक है तो D1 को अगर 11 रखे 10 पेन ज्यादा 21 नहीं हो सकता 13 रखे तो यस 13 23 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इसका ठीक है 17 में 10 जोड़ने पर 27 होता है 19 में 10 जोड़े 29 की वैल्यू अवेलेबल है तो 29 19 का कॉम्बिनेशन हो सकता है इकतीस से नहीं होगा सोलह दस छब्बीस पच्चीस दस पैंतीस और कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा यानी सी वन और डी वन के नंबर ऑफ पेंस की बात करें तो या तो तेईस तेरह का कॉम्बिनेशन बनेगा या उन्तीस और उन्नीस का कॉम्बिनेशन बनेगा हम ये कह सकते हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं एक और बात कही गई वो ये कि D1 के पास मैथ्स बुक नहीं है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि D1 जो है उनके पास मैथ्स की किताब नहीं ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन को देखते हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन ब्लैक एंड रेड कलर बॉक्स इज द सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन रेड एंड पर्पल अब देखो बोला गया ब्लैक और रेड के बीच जितने बॉक्स होंगे उतने ही बॉक्स रेड और पर्पल के होंगे इसका मतलब यह निकलता है कि ब्लैक से जिस एक साइड रेड के एक साइड ब्लैक होगा तो दूसरी साइड पर्पल होगा और इन दोनों के बीच नंबर ऑफ बॉक्सेस सेम होंगे वैल्यू का पता नहीं है इसलिए हमने वाई पुट कर दिया ठीक है चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं द बॉक्स विच हैज इकोनॉमिक्स बुक हैज थर्ड हाइएस्ट नंबर ऑफ पेन्स ओके जिसके पास इकोनॉमिक्स बुक है वो थर्ड हाइएस्ट पेन है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि इकोनॉमिक्स बुक वाला जो होगा वो थर्ड हाइएस्ट होगा इसके पास थर्ड हाइएस्ट पेन होगा ठीक है ओके नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखें नंबर ऑफ पेन्स इन ए टू बॉक्स इज द सेम एज द स्क्वायर ऑफ़ इट्स पोजिशन फ्रॉम द बॉटम ओके अब देखिए बताया गया ए टू के पास उतने पेन है जितनी पोजिशन होगी इसकी बॉटम से उसका स्क्वायर तो जाहिर सी बात है हमारे पास स्क्वायर वैल्यूज में ही आना चाहिए नंबर ऑफ पेन नंबर ऑफ पेन्स स्क्वायर वैल्यू में तीन ही बचे सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स तो इसका अंडर रूट इसकी पोजीशन होगी बॉटम से यानी फोर्थ फाइव सिक्स में से एक पोजीशन पर ए टू होगा सो so दैट की नंबर ऑफ पेंस इसके स्क्वायर हो जाए नंबर ऑफ पेंस जो है इसके 16 हो या ट्वेंटी फाइव हो या थर्टी सिक्स हो ठीक है तो ए टू की पोजीशन बॉटम से फोर्थ फिफ्थ सिक्स में से एक होनी चाहिए बॉटम से फोर्थ फिफ्थ सिक्स तो देखो तो जरा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स इन तीनों में से किसी एक जगह पर ए टू आना चाहिए इन तीनों में से किसी एक जगह पर ए टू आना चाहिए यह तीन पॉसिबिलिटी है ए टू के आने की ठीक चले आगे बढ़े नेक्स्ट देखिए डी टू के बारे में बताया गया डी टू के पास पेन है इवन नंबर में अब अगर इवन वैल्यू की बात करें तो हमारे पास इस पूरी सीरीज में इवन नंबर केवल दो ही अवेलेबल है वन इज सिक्सटीन एंड द अदर वन इज थर्टी सिक्स इसका मतलब डी टू के पास पेन या तो सोलह हो या छत्तीस हो सोलह या छत्तीस में से एक होगा और इसके बाद क्या बोला गया तो देखिये डी टू हैज पेन्स इन एन ईवन नंबर एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेन्स इन अ बॉक्स इमीडिएटली अब डी टू एंड बिलो डी टू इज सेम यानी डी टू के ऊपर और डी टू के नीचे अभी पता नहीं लेकिन बोला यह जा रहा है डी टू के एक साइड डी टू से जितने ज्यादा पेन होंगे दूसरी साइड उतना कम होगा सो so दैट कि इनका डिफरेंस क्या हो सेम तो ऊपर वाला से जितना डिफरेंस डी टू का होगा नीचे वाले से भी सेम डिफरेंस होना चाहिए डी टू का अब देखो यहां से एक बात पता चल रही है हमारे पास चूंकि दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे इवन वैल्यूज की या तो सिक्सटीन या थर्टी सिक्स अगर डी टू के पास थर्टी सिक्स पेन होगा तो जाहिर सी बात है एक साइड डी टू से कम होना चाहिए और दूसरी साइड डी से ज्यादा होना चाहिए एक त, एक साइड नंबर ऑफ पेंस डी से कम होगा जितना कम एक साइड होगा उतना ही ज्यादा दूसरी साइड होना चाहिए अब देखो 36 से बड़ी हमारे पास केवल एक वैल्यू अवेलेबल है और वो वैल्यू है 37 है ना तो 36 से एक ज्यादा अगर करने पर 37 अगर मान लो 36 सिक्स लिए तो एक साइड 37 कर रहे हैं यानी एक बढ़ा रहे हैं तो डी से एक कम यानी दूसरी साइड थर्टी होना चाहिए क्योंकि 36 से केवल एक ही वैल्यू बड़ी है 37 तो 37 और 36 में वन का डिफरेंस है तो 36 से भी वन माइनस कर ले दूसरी साइड 35 होना चाहिए लेकिन 35 फाइव नंबर ऑफ पेन्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है देखो यहां से हमें यह पता चल जाता है कि ये d2 के पास नंबर ऑफ पेन्स 36 हो ही नहीं सकता क्योंकि 36 से ज्यादा बड़ी केवल एक ही वैल्यू थी 37 और 36 से कम करें अगर 36 और 37 का डिफरेंस वन था थर्टी सिक्स से अगर एक कम करें तो नंबर ऑफ पेंस थर्टी फाइव होते हैं जो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है इसका मतलब थर्टी सिक्स तो नंबर ऑफ पेंस डी टू के पास है नहीं अगर डी टू के पास थर्टी सिक्स पेन नहीं है इसका मतलब डेफिनेटली डी टू के पास सिक्सटीन पेन होगा तो देखो ये क्लियर हो गया डी टू के पास नंबर ऑफ पेन सिक्सटीन है जी अब सिक्सटीन से जितना कम एक साइड होगा उतना ही ज्यादा दूसरी साइड होगा तो 16 से छोटी वैल्यू ये दो बच रही है तो 16 से कम करें 13, तो 16 से 13 कम करने पर तीन कम करना पड़ रहा है तो 16 में तीन ज्यादा होना चाहिए दूसरी साइड दूसरी साइड की वैल्यू 19 होनी चाहिए क्या 13 और 19 दोनों वैल्यूज अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल 13 और 19 दोनों अवेलेबल हैं अगर हम 11 कर लें तो 16 से पांच कम हो गया 11. तो दूसरी साइड पांच ज्यादा होना चाहिए सोलह पांच इक्कीस इक्कीस नंबर ऑफ पेन हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है तो अगर इक्कीस पेन अवेलेबल नहीं है तो ये इलेवन सिक्सटीन और ट्वेंटी वन का कॉम्बिनेशन तो नहीं बन सकता तो यहां से देखो ये फिक्स हो गया कि थर्टीन सिक्सटीन और नाइनटीन ये तीन वैल्यूज कंजिकेटिव आएंगे अब ये नहीं पता ऊपर थर्टीन आएगा या नीचे लेकिन सीक्वेंस में आएंगे ये तीनों ठीक है ये क्लियर है अब अगर समझो डी टू का नंबर ऑफ पेन फिक्स हो गया सिक्सटीन तो हम यहां कह सकते हैं ना कि ब्राउन नंबर ऑफ पेन हो नहीं सकता यानी ब्राउन की पोजिशन, पोजिशन, तो पोजिशन फर्स्ट प्लेस पर नहीं हो सकती क्योंकि हमें पता है इनके बीच थर्ड की पोजीशन है देखो ये फोर थ्री टू वन तो फर्स्ट प्लेस पर ऑरेंज नहीं हो सकता ठीक है इसी तरह हमें यह भी बताया गया था कि A2 की पोजीशन भी बॉटम से देखिए फोर्थ नहीं हो सकती क्योंकि नंबर ऑफ पेन 16 होने चाहिए 16 पेन तो D2 के पास आ गया है तो A2 की भी पोजीशन बॉटम से फोर्थ तो नहीं हो सकती तो बॉटम से फोर्थ मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ A2 टू यहां नहीं हो सकता यानी A2 के लिए ये दो पोजिशन बच रही है ए के लिए केवल ये दो पोजिशन बच रही है ठीक है ना तो एक एक करके दोनों को हम लोग चेक करेंगे ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं ब्लू कलर बॉक्स इज एन ऑड नंबर पोजिशन बट नॉट ऑन थर्ड पोजिशन फ्रॉम द बॉटम तो बॉटम से थर्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड थर्ड पर ब्लू नहीं है बाकी ब्लू जहां भी होगा वो बॉटम से ऑड पोजिशन पर कहीं होगा तो बॉटम से ऑड मतलब ब्लू यहां हो सकता है एक पॉसिबल ब्लू की यहां नहीं हो सकता यहां हो सकता है ठीक है और यहां हो सकता है ब्लू so, की ये तीन पॉसिबिलिटीज फिलहाल हमारे पास अवेलेबल है ठीक है चले नेक्स्ट देखते हैं बोथ डी टू एंड डी वन आर एट ऑड नंबर पोजिशन फ्रॉम द टॉप ये मैं यहां लिख दे रहा हूं ठीक है और इसके साथ साथ ये भी बोल दिया गया है दैट आर एट आउट पोजिशन फ्रॉम द टॉप एंड डी वन इज प्लेस्ड वन ऑफ द पोजिशन अबव डी टू तो B1, D2 ये दोनों ऑर्ड पोजीशन पर हैं और ये मेंशन हो गया हमें कि B1 ऊपर होगा और D2 कहीं नीचे होगा चले तो हमारे पास कुछ ये सारी इंफॉर्मेशन हैं अब अगर गौर से देखें तो सबसे ज्यादा जानकारी हमें यहां मिल रही है तो हम ऑरेंज को पहले पोजीशन करने की कोशिश करेंगे ऑरेंज को पुट करने की दो पॉसिबल कंडीशन आ रही है या तो ऑरेंज सेकंड प्लेस पर है या थर्ड प्लेस पर है दोनों जगह एक एक करके रखकर चेक करते हैं वेरीफाई करते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आएगा तो अगर मैं ऑरेंज को सेकंड प्लेस पर रखूं, एक पॉसिबिलिटी ले रहे हैं तो C1 देखिए यहां आ जाएगा सेकंड प्लेस पर कलर ऑरेंज ठीक है और सब्जेक्ट हिस्ट्री इसके ठीक नीचे पिंक कलर आएगा तो यहां कलर पिंक और सब्जेक्ट ज्योग्राफी यहां आ गया ठीक है अब इसके ठीक नीचे C2 आएगा तो इसके ठीक नीचे C2 आ गया C2 के ठीक नीचे A1 आ जाएगा तो C2 के ठीक नीचे A1 आ गया और A1 का कलर हो जाएगा ब्राउन और A1 की पोजीशन अब देखो क्या आ गई है फेर फाइव तो उसका स्क्वायर वैल्यू नंबर ऑफ पेंस हो जाएंगे तो फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव हो जाएंगे ब्राउन में अब जरा देखिए ए टू की दो पॉसिबिलिटी आ रही थी थर्ड या फोर्थ में से अभी तो सी टू को रख दिया फोर्थ पर ए टू को फिलहाल यहां नहीं रख सकते तो अब ए टू की पोजीशन फिक्स हो जाएगी यहां पर यानी कि अगर आप बात करें तो ए टू की बॉटम से कितनी हो गई फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो बॉटम ए टू की पोजिशन सिक्स हो गई तो बॉटम से अगर प्लेस पर है तो इसका नम, इसका स्क्वायर नंबर ऑफ पेंस होने चाहिए इसके पास यानी ए टू के पास जो नंबर ऑफ पेंस आ जाएगा वो आ जाएगा थर्टी सिक्स टू के पास नंबर ऑफ पेंस कितना आ जाएगा थर्टी सिक्स तो अब ये फिक्स हो गया अब देखो यहां से कुछ बातों को समझना ठीक ए टू के पास आ गया थर्टी सिक्स पेन्स ये हमने यहां पर पुट कर दिया ठीक अब जरा देखिए हमने बात किया था ना कि ये जो 13, 16, 19 की वैल्यू है ये कंजेकेटिव आनी चाहिए 13, 16, 19 की वैल्यू कंजेटिव कहीं ना कहीं आएंगी तो 13, 16, 19 की वैल्यू तीन लगातार खाली जगह चाहिए तो तीन लगातार खाली जगह यही मिल रहे हैं जिसमें से 13, 19 में से एक यहां आ जाएगा 16 यहां आ जाएगा और 13 और 19 में से दूसरा यहां आ जाएगा ठीक है और हमें पता है 16 पेंस किसके पास है डी के पास है तो डी की पोजिशन यहां आ गई तो देखिए क्या डी एक ऑड पोजिशन पर आया बोला गया था ना डी की पोजिशन ऑर्ड होनी चाहिए और यहां से देखिए एक और बात बताया गया था बी वन की पोजिशन भी ऑड होनी चाहिए डी टू के ऊपर तो डी टू के ऊपर ऑड पोजिशन पर बी वन इसके लिए केवल एक जगह बची तो हमने यहां बी वन को रख दिया बी वन की पोजिशन फिक्स हो गई बेटा ठीक है तो ये हमने पुट कर लिया बी वन डी टू और ये वाली जानकारी को हमने यहां रख दिया ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे की और इंफॉर्मेशन को पुट करके जरा देखते हैं ठीक अब देखिएगा बोला गया था ज्योग्राफी के ऊपर कितने हैं उतने ही डी के नीचे आने चाहिए तो जोग्राफी के ऊपर कितने हैं दो यानी बॉटम से दो को छोड़कर डी आ जाना चाहिए बोला गया था ना ज्योग्राफी के ऊपर एक्स पर्सन होंगे तो d1 के नीचे भी एक्स होने चाहिए ज्योग्राफी के ऊपर दो पर्सन आ रहे हैं यानी एक्स की वैल्यू टू आ रही है तो d1 को ऐसी जगह रखना होगा जिसके नीचे दो हो ठीक है तो d1 वन यहां आ गया अब इनमें बचा कौन रह गया तो ध्यान से देखिए a1 a2 आ गया B1 आया है B2 टू मिसिंग है तो B2 हमारी लास्ट पोजीशन पर आ जाएगा ठीक है ये क्लियर है चलिए अब नंबर ऑफ पेंस को थोड़ा डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ पेंस को डिसाइड करने से पहले कुछ और बातें भी हैं उसको ध्यान रखते हुए हमने काम करना होगा ठीक हमें यह बताया गया था क्या कि C1 के नंबर ऑफ पेंस जो है D1 से 10 ज्यादा होने चाहिए तो अब डी वन तेरह और उन्नीस में से एक अगेन तेरह और उन्नीस में से एक आ रहा है तो सी वन में नंबर ऑफ पेन्स तेईस और उन्तीस में, तो में, में से एक आना चाहिए तो सी वन में नंबर ऑफ पेन्स तेईस या उन्तीस में से एक आना चाहिए ठीक है क्लियर है ना और इसी तरह बात हुई थी बी टू और सी टू को लेकर तो अभी बी टू की बात करें तो बी टू के तेरह और उन्नीस का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो C2 का कॉम्बिनेशन 25 और 37 में से एक होना चाहिए है ना पच्चीस और सैंतीस में से एक होना चाहिए सी टू के पास पच्चीस हो नहीं सकता क्यों क्योंकि पच्चीस का इस्तेमाल ए वन के साथ हमने कर लिया है तो पच्चीस और तेरह की कॉम्बिनेशन सी टू और बी टू की नहीं होगी इसका मतलब बी टू के पास डेफिनेटली नाइनटीन ही वैल्यू आ सकता है और अगर डी टू के बाद बी टू के बाद नाइनटीन आएगा तो हम सी टू के नंबर ऑफ पेंस थर्टी सेवन बता सकते हैं तो नाइनटीन और थर्टी सेवन भी हमारा फिक्स हो गया ठीक है तो अगर 19 और 37 फिक्स हो गया चूंकि 19 बी टू का है तो अब डी वन का 19 नहीं हो सकता तो 19 और 29 का कॉम्बिनेशन यहां नहीं बना सकते सी वन और डी वन का तो सी वन और डी वन का एक ही वैल्यू फिक्स हो जाएगा कि डी वन में नंबर ऑफ पेंस 13, देखिए डी वन में 13 और डी सी वन में दस ज्यादा यानी तेईस ट्वेंटी थ्री सी वन में फिक्स हो जाएगा तो नंबर ऑफ पेंस C1 वन में कितने फिक्स हो जाएंगे 23 फिक्स हो गए ठीक चलिए तो हमने क्या क्या वैल्यू यूज कर ली है हमने वैल्यू जो यूज किया है उसमें से अगर हम लोग बात करें तो 13 हमने यूज कर लिया है 16 यूज कर लिया 25 यूज कर लिया 36 यूज कर लिया ठीक है 37 यूज कर लिया 19 यूज कर लिया 23 यूज कर लिया ठीक है अब हमारे पास ये चार वैल्यू बचे हैं इलेवन 17, ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी वन ठीक है अब जरा कलर्स की बात करें तो देखिए ये बात की गई थी ना कि रेड के जितने एक साइड में ब्लैक होगा जितनी पोजीशन पर उतनी पोजीशन पर दूसरी साइड पर पर्पल आना चाहिए तो जरा इन कलर्स को सेट करने की कोशिश करते हैं तो देखिए अगर मैं रेड को यहां रखू और दो पोजीशन छोड़कर थर्ड पर अगर ब्लैक यहां आ जाए तो नीचे भी रेड से थर्ड पोजीशन पर ब्लैक आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां ब्लैक आ सकता है जी बिल्कुल आ सकता है सॉरी पर्पल पर्पल आ सकता है जी बिल्कुल आ सकता है ध्यान से देखिए रेड दो बॉक्स छोड़कर ब्लैक तो रेड दो बॉक्स इधर छोड़कर पर्पल पर्पल बॉटम पर नहीं आना चाहिए था बॉटम पर पर्पल पर पर नहीं है ठीक है ना चले तो हमने ये भी एक बार एक बार प्लेस करके इसे भी देख लिया ठीक अब ध्यान से देखिएगा बोला गया था कि आप ब्लू बायो और फिजिक्स के बीच में आठ का डिफरेंस आना चाहिए तो आठ का डिफरेंस आना चाहिए और ब्लैक वे के बारे में बताया गया था कि ब्लैक के पास मिनिमम नंबर ऑफ पेंस होने चाहिए तो अब मिनिमम वैल्यू तो तेरह हमने चूंकि यूज कर लिया है तेरह से छोटी वैल्यू होगी तभी मिनिमम होगा तो तेरह से छोटी वैल्यू कितनी बेटा ग्यारह तेरह से छोटी वैल्यू कितनी आ जाएगी ग्यारह अब देखो अब हमारे पास लगभग सारी चीजें आ गई ए टू की वैल्यू आ गई है थर्टी सिक्स और देखिए बी वन की वैल्यू आ गई है इलेवन थर्टी सिक्स प्लस इलेवन करने पर फोर्टी सेवन होता है फोर्टी सेवन को में से दस माइनस कीजिए थर्टी सेवन यानी रेड पेन वाला थर्टी सेवन नंबर ऑफ पेन्स रखेगा रेड कलर वाला थर्टी सेवन नंबर ऑफ पेन्स रखेगा ठीक है ये हमने पुट कर लिया तो अब हमारे पास सभी के नंबर ऑफ पेन्स फिक्स हो गए हैं तो अब देखिए एक इंफॉर्मेशन ये भी थी हमारे पास कि इकोनॉमिक्स वाले के पास थर्ड हाईएस्ट पेन आना चाहिए थर्ड हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 37, 36 और थर्ड हाईएस्ट है ट्वेंटी तो यहां आ जाएगा इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स हमने यहां पुट कर दिया ठीक है क्लियर अब बोला गया था क्या ब्लू कलर वाला बायो सब्जेक्ट रखेगा ब्लू कलर वाला बायो सब्जेक्ट अब ब्लू कलर देखे यहां तो कहीं नहीं आ रहा है ब्लू यहां नहीं आ सकता तो ब्लू के लिए एक ही जगह बची तो हमने यहां ब्लू पुट कर दिया और सब्जेक्ट पुट कर लिया बायोलॉजी ठीक है यानी ब्लू कलर वाले का 19 पेन आ गया और 19 से 8 का डिफरेंस होता है 11 या 19 प्लस एट ट्वेंटी सेवन है नहीं तो 19 माइनस एट करना होगा तो 19 माइनस एट इज 11 11 नंबर ऑफ पेन बी के पास है तो इसका सब्जेक्ट फिक्स हो जाएगा फिजिक्स क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस एट पेंस का आना चाहिए था ठीक है अब बोला देखिए क्या गया था D1 और D2 दोनों को इंग्लिश पसंद है नहीं तो D1 और D2 की जगह इंग्लिश आ नहीं सकता तो इंग्लिश के लिए एक ही जगह बची तो यहां सब्जेक्ट आ गया इंग्लिश और देखिए एक इंफॉर्मेशन ये थी कि D1 को मैथ्स पसंद नहीं है तो D1 की पसंद मैथ्स नहीं तो मैथ्स D2 की पसंद हो जाएगी और देखिए लास्ट सब्जेक्ट जो बचा वो बचा केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री हा और इसी तरह लास्ट कलर जो हमारे पास बचा वो कलर था ग्रीन तो देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हम चाहें तो सॉल्व कर सकते थे आपको यहां हर एक पॉइंट का बस ध्यान रखना है ये टेबल आपको ड्रॉ कर लेना है और इस टेबल में सारी इंफॉर्मेशन को पुट कर देना है इससे रिलेटेड थ्री टू फाइव क्वेश्चन आपके मेन्स के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और एक बार ये टेबल बन गया तो हम सारे क्वेश्चन को फिर आंसर आसानी से कर सकते हैं सो आई होप सो ये जो हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और हाँ अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें थैंक्स फॉर लर्निंग